सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करूंगी एमवे स्टाफ को, जो कि मतलब ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर द हेल्प, हमेशा खड़ा रहते हैं। जैसे जसदीप ने बताया, हम कितनी बार एमवे के स्टाफ से बात करते हैं तो हमें तो कई बार लगता है कि मतलब ऐसा क्या एमवे उनको देती है जो वो इतने प्यार से हर क्वेरी को सॉल्व करते हैं, हर क्वेरी को सॉल्व करते हैं। मैं अपने बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन ग्रोवर है। हाउसवाइफ से फिटनेस ट्रेनर तक की जर्नी में छोटी सी एमवे के साथ जो मेरी जर्नी रही है, मैं उसको शेयर करूंगी। मैं सिंपल एक हाउसवाइफ थी। अगर मैं बात करूं एमवे बिजनेस में आने से पहले, तो कॉन्फिडेंस की सबसे पहले बात करूंगी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिंपल ग्रेजुएट हूँ, तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हमेशा डाउन रहता था। अगर बहुत सारे मैं बात करूँ लोगों की कि मतलब लाइक अगर मैं अपने लेवल तक के लोगों की बात करूँ तो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल, बट मैं अपने से हाई लेवल के लोगों की बात करूँ तो मेरे लिए कभी भी कम्फर्टेबल नहीं होता था कि मैं उन लोगों से बात कर सकूँ। थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी जब सामने आई मेरे, तो मुझे एक सिंपल सी चीज समझ में आई कि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी शॉपिंग हैबिट्स, अपनी बाइंग हैबिट्स को शिफ्ट करना है। हम अभी भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, नहाते हैं, होते हैं, ब्रश करते हैं, एवरीथिंग स्किन केयर एंड ऑल सब यूज करते हैं, तो हमें सिर्फ करना क्या है कि हमें अपनी बाइंग हैबिट्स को शिफ्ट करना है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पर्सनली मेरे लिए था कि मेरी ना स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन पे अगर प्रोडक्ट काम कर गया तो मैं आगे इसको काम कर सकती हूँ। 30 डेज मनी बैक चैलेंज के साथ मैंने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट ट्राई किया और बिलीव मी, मतलब प्रोडक्ट ने मेरे इतना मिरेकल मेरे मतलब फेस पे ला दिया कि मतलब मुझे अभी भी जैसे मेरी 50 इयर्स की एज है, मुझे लोग बोलते नहीं कि मैं 50 इयर्स की हूँ। तो ये बेसिकली हम जब चीजें स्टार्ट करते हैं तो जब मुझे प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट आ गया, देन मुझे एक होप जगी, क्योंकि पहली चीज थी कि मुझे एक समझ में आ गई थी कि फ्रीडम है इस बिजनेस को करने की। आप एक घंटा काम करो, दो घंटे करो, पांच करो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आपके ऊपर कोई डंडा नहीं है कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने इसी चीज से स्टार्ट किया कि भी छोटी छोटी अगर मैं एक घंटा दो घंटा अपने टाइम के हिसाब से लगाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे होप मिली यहाँ पे, और जब होप मिली तो कहते हैं जब होप होती लाइफ में तो आप बीमार नहीं पड़ते हो। तो इसी होप के साथ मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप्स लिए, मैंने रिलेशन बिल्डिंग पे ज्यादा काम किया, मैंने प्रोडक्ट्स की किट्स वगैरह बनाई और मैंने लोग इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, तभी कंपनी 30 डेज मनी बैक के साथ देती है। देन उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जैसे एमवे का सिंपल सा फंड है कि ना, फैमिली होप फ्रीडम, फ्रीडम फैमिली होप एंड रिवॉर्ड। तो मैं बात करूं, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली में फ्रेंड्स कितने लोग, सब बहुत से लोग बिजनेसमैन होंगे, कितने लोगों के फैमिलीज में इन्वॉल्वमेंट होती है बिजनेस की। ये एक इकलौता बिजनेस है, जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं फैमिली के साथ तो मजा आता है, हम जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी फैमिली में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तो जो मुझे समझ में आया कि जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था वो धीरे 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 मेरा बढ़ता चला गया। मैं अपनी फिटनेस जर्नी की बात करूं कि मैंने 40 प्लस की एज में मैंने अपना बिजनेस करियर स्टार्ट किया, और बाय गॉड ग्रेस 7 साल से मेरे कुछ क्लाइंट आज तक मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं शॉक्ड रहती हूँ कि ये मतलब क्या हुआ मेरे साथ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे कैसे बढ़ता चला गया। उसके बाद मैं बात करूं अगर रिवॉर्ड्स की, अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिवॉर्ड में बताऊंगी कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता था और मैंने गाड़ी चलाना इस बिजनेस में आकर सीखा। लोगों से बात नहीं कर सकती थी मैंने, जैसे अभी आपको बताया मैंने बात करनी सीखी। कितनी चीजें ऐसी है जो मैं अगर गिनती बताऊं तो होती चली जाएंगी, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या क्या चीजें जो साथ साथ मिलती चली गई। एक बहुत बड़ा मैं रिवॉर्ड शेयर करना चाहूंगी। अभी हमें एक एमवे का ट्रिप मिला था, मैंने बहुत सुना हुआ था लोगों से कि जो एमवे का ट्रिप है ना, इसको आप ना कभी भी मतलब किसी को बता नहीं सकते हो, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, ये आप फील कर सकते हो। तो सेम वे मैं कोशिश करती हूँ आज बताने की, पर वाकई ये जो ट्रिप हम अभी अटेंड करके आए हैं गोवा में, जो हमें ट्रीटमेंट मिला है, मतलब एमवे का ना एक अलग ही अंदाज है, मैं बोलूंगी एक अलग ही अंदाज है एमवे का आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को शेयर मतलब ट्रीट करने का। आपको ऐसी ऐसी वैल्यूज मिली है यहाँ पे आके, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको लगेगा कि लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने जाते हैं उसके लिए पैसे पे करते हैं। मैं बीइंग अ सिंपल हाउसवाइफ, हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएट, मुझे लगता ही नहीं कि
मैंने जो चीजें अचीव कर लिया है ऐसा क्या कर लिया हमने, इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट, इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब हम लोग एयरपोर्ट से बस, बस से हम लोग एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड की बेस्ट प्रॉपर्टी में हमें ठहराया गया, और जिस समय हम वहां पे एंटर करे, फ्रेंड्स मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे मेरे को अभी भी मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बता पाऊं कि जैसे ही हमने बस से नीचे एंटर किया, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं भी एक नॉर्मली उतर रही थी बस से, एकदम से इतने कैमरा मैन आगे आ गए, मतलब जो सेलिब्रिटीज, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत लोगों के फेवरेट हीरो हीरोइन होते हैं, मेरा आज तक कभी नहीं रहा, क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग सेलिब्रिटीज है क्या कर लेंगे इनकी सेल्फीज खिंचवा के, कभी हम ऐसे हो तो पता लगे, तो वो ऐसे लगा कि पता नहीं जैसे यूनिवर्स ने वो बात सुनी और मतलब फ्रेंड्स मेरे पास ना मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि जो हमें वहां पे ट्रीटमेंट मिला, जो हमारी वहां पे केयर हुई है, ऐसे लगा था जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ गए घूमने के लिए, किसी चीज की कोई एक चीज तो कोई कमी निकाल के बता दे, कोई एक चीज तो कमी निकाल के बता दे कि हाँ ये नहीं था वहां पे और ये हो जाता तो अच्छा हो जाता, एवरीथिंग कहीं मतलब बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली से मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी ऐसा ट्रिप जो ट्रिप एमवे ने दिया, सैल्यूट टू एमवे, सैल्यूट है सीरियसली, उन्होंने जो मतलब वहां पे हमें मतलब मैं मेरे पास शब्द अगेन फील करने वाली चीज है, मैं बता नहीं पा रही हूँ, खाने से लेकर आपकी केयर से लेकर रूम एंड फैसिलिटीज एवरीथिंग जो वहां पे हम लोगों को जितनी भी वहां पे राइड्स एंड ऑल थी, जो कि नॉर्मली हम लोग अगर नॉर्मली गोवा घूमने जाए तो हम सोचेंगे कि यार इतने पैसे लग रहे छोड़ो इस राइड को छोड़ दो उस राइड को छोड़ दो, तो फ्रेंड्स मैं बेसिकली ये चीज मैं बताऊंगी कि ये ना सच में एक बारी ना फील करने वाली चीज है, ये बताने वाली चीज नहीं है, और अगर वो सब चीजें इतना बढ़िया रिवॉर्ड अगर आपको कंपनी देती है तो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हम देखें अगर हम मैं अगर अपना थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँ कुछ हाई लेवल के लोगों के साथ जो लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब कंपनीज में लगे हुए हैं, क्या करते हैं वो सारा दिन वो स्ट्रेस के साथ जॉब करते हैं और उनको सैलरी मिल जाती है स्ट्रेस के साथ, बट यहाँ क्या होता है फन मस्ती में काम करते चले जा रहे हैं और पैसा मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि हमें पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगा, जैसे 100 PV की बात हो रही थी, अभी गिफ्ट्स की बात हो रही थी, फ्रेंड्स हमने पैसे तो खर्च नहीं है, दिवाली गिफ्ट हमने देने, किसी का बजट इतना होगा किसी का बजट बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पर एमवे पे 100 रुपए से लेकर आपके पास कितने हजारों तक की चीज है आप अपने बजट के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसे मैं बात करूंगी रिलेशनशिप, जो मैंने पर्सनली फील किया कि मैंने रिलेशनशिप पे काम किया, अभी जैसे कुछ बताया गया था हरप्रीत ने कि सॉल्यूशंस पे काम करने के लिए, तो सेम चीज है कि फील फेल्ट फाउंड, मैंने सिंपल सा एक रूल अपनाया था फील फेल्ट फाउंड, आगे किसी को कोई भी प्रॉब्लम दी है तो मैंने उसको फील किया, उसको महसूस किया अपने साथ कि मैं होती तो क्या कैसा लगता और मैं क्या करती, उसी के साथ ही मैंने सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया। फ्रेंड्स मैं एक मैसेज देना चाहूंगी लेडीज को, स्पेसिफिकली लेडीज को मैसेज देना चाहूंगी कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, बहुत मैं स्पेशली लेडीज को मैसेज देना चाहूंगी अपने पैरों पे खड़े होइए, कब तक हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे, हम फिट है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने सप्लीमेंट्स न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स इतने जबरदस्त है उन पे ध्यान दीजिए। एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगी कि फ्रेंड्स एक बार को अगर आपको लगता है कि पैसे को लेके आप पैसा सेव कर लोगे अलमीरा में रख दोगे कि जब कभी जरूरत होगी तो आप निकाल लोगे, व्हाट अबाउट योर हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज नहीं है कि आज फिट हो तो आप उठा के अलमीरा में रख दो जब जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे, तो फ्रेंड्स मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज 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 आप ज्वाइन करो इसके लिए काम करो, और एमवे टीम तो अगेन सैल्यूट है, एमवे टीम को अगेन सैल्यूट है कि आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए वो सपोर्ट करते हैं, आप कहाँ अटकते हो, मुझ जैसी एक सिंपल सी हाउस वाइफ कितनी बड़ी टेक्निकल चीजों के लिए अटक गई है, उसको अगर एमवे ने सपोर्ट किया है मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, थैंक यू सो मच।